हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ गया है। हम सोचते हैं भगवान के लिए कुछ अलग अलग मिठाइयाँ बनाएं, मोदक बनाएं। तो आज मैं चॉकलेट मोदक बनाने शुरू कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और भगवान का ये प्रिय प्रसाद दिखने में सुंदर, खाने में टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रसाद को आप भी जरूर बनाइए। अगर आज की मेरी ये मोदक की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच देसी घी। यहाँ पे आप बटर भी ले सकते हैं। घी को हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल 2 बड़े चम्मच दूध। दूध को हम उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब हम उसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी शक्कर होता है और जो चॉकलेट सिरप से हम मोदक बनाएंगे वो भी मीठा होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ के अपना शक्कर ऐड कर दीजिए। शक्कर को हमें मेल्ट होने देना है। शक्कर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप। तो ये हम 60 ग्राम का पैकेट लिए हैं। इसे हम सिरप में ऐड करेंगे, यानी कि हमने जो दूध के साथ शुगर सिरप बनाया उसमें ये ऐड करेंगे। इसका हमने साइड से मुंह काट लिया है। अब हम इसमें ये शुगर सिरप डाल देंगे। ध्यान रखें, ये सारा इंग्रेडिएंट्स हम एकदम स्लो फ्लेम पे मिक्स करेंगे। तो हमने चॉकलेट सिरप डाल दिया है, शक्कर घुल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हम 150 ग्राम मिल्क पाउडर लिए हैं और सिरप के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमें एकदम बारीकी से करना है, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। ये बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से दूध को सुखा लेंगे। कंटिन्यू चलाते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है, तभी ये अच्छा सा मोदक के लिए मेवा तैयार होगा। यहाँ पे हमने छोटा चम्मच यूज किया है, हम चम्मच चेंज कर ले रहे हैं, चलाने में आसानी हो जाएगी। तो हम एक स्पैचुला से इसको अच्छे से चला रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने 3 मिनट तक अच्छे से दूध के साथ मिल्क पाउडर को भूना, गाढ़ा किया, तो एक खोया जैसा तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे चलाते हुए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसका मोदक बना के आपको दिखाएंगे। हमने मावा को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसमें सूखा नारियल का बुरादा डालेंगे। ये हम मार्केट से लाए हैं, आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मावा के साथ हाथ से मैश कर लेंगे। इससे मोदक का टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने खोया को कोकोनट पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो अब हम एक मोल्ड लेंगे, ये मोदक मोल्ड है, इसमें हमने घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा मावा निकालेंगे और मोल्ड में अच्छे से भर देंगे। मोल्ड कई तरह के आते हैं, तो आप जिस तरह का हो उस तरीके से भर के और मोदक का शेप दे दीजिए। तो हमने दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा मावा भर लिया है, अब हम इसको प्रेस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और जितना बड़ा अपना मोल्ड है उतना बड़ा मोदक तैयार हो जाएगा। अब हम ये एक्स्ट्रा पार्ट को हाथ से ऐसे निकाल देंगे। हमने प्रेस कर लिया, एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया। अब हम मोल्ड को ओपन करेंगे, तो ऐसे हम आराम से मोल्ड को खोलेंगे। आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा मोदक तैयार हो गया। तो हम ऐसे ही बाकी के सभी मोदक को तैयार करेंगे। मोदक बना के हमने तैयार कर लिया, थोड़ा सा हमने गुलाब के पंखुड़ियों से डेकोरेट कर दिया है जिससे भगवान का प्रसाद सुंदर दिखे। तो फ्रेंड्स, इस मोदक को आप इस चतुर्थी पे जरूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।